फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को जैसे पता ही है कि मैंने सोचा कि अब मैं डेली वीडियोस डाल लूं, तो मैं जो है अभी डेली वीडियोस के लिए ट्राई कर रही हूं। जैसे कि आज मॉर्निंग से मैंने कुछ कुछ वीडियो शूट किया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूं, ठीक है। तो और आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो जो है वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और बाकी की डिटेल्स तो मैं उतना आपको अभी दे पा रही हूँ। मेरा बाबू जो है अभी 6 साल का है, तो वो अभी स्कूल जाता है, तो मैंने उसके साथ ही वीडियो शेयर किया है कि मैं सुबह से कैसे करके उसको तैयार करती हूँ, या जो सब भी मैं शूट कर पाई हूँ तो वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो पे बने रहें और देखें मेरे वीडियो को। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सुबह के 6 बज गए हैं, तो मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले जो है मैं घर में पूरा झाड़ू लगाती हूँ। तो वो लगाने के बाद मैंने बंस के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चढ़ा दिया है, और इधर साथ ही मैंने चाय के लिए भी चढ़ा दिया है। तो एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ और एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने टमाटर और प्याज को कट कर लिया है, और जो है मैंने आलू का सब्जी बनाया था, ठीक है। तो मैंने टमाटर और प्याज को कट करके और जो है ये थोड़ा सा चाय में डालने के लिए गोल मरीच और लौंग लिया है मैंने, जो मैंने कूट कर चाय में डाला है, ठीक है। तो अब मैं इसके साथ ही इसके बाद जो है मैं आटा सान लेती हूँ। साथ ही साथ इसमें आटे में मैंने नमक और मंगरेला और जमाइन डाला था, और डालने के बाद इसे सान लेती हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई में जो चढ़ाया था, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें फोरन डाल के प्याज डाल के टमाटर डाल दूँगी, प्याज टमाटर, उसके बाद जो है चाय भी छान लूँगी इसके साथ ही। और अभी जो है चाय बनकर रेडी हो गया है, तो मैं अब चाय छानने के लिए जा रही हूँ। और इधर साथ ही मैं कढ़ाई में जो मैंने टमाटर और प्याज डाला था, उसे फ्राई होने के बाद इसमें नमक और हल्दी और थोड़ा सा मसाला डालकर इसे फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने चाय छान लिया है 2 कप मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, ठीक है। और इधर मेरा इसी बीच में मेरा लगभग सब्जी भी बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल दिया था और ये सब्जी बनकर रेडी हो गया था, ठीक है। तो इसमें मैंने समीर जी के लिए, मतलब सबके लिए और वंश के लिए भी लंच बॉक्स में देने के लिए फ्राई सब्जी बना लिया था। तो मैं अब सबको पहले वंश का लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ इसी बीच में। और ये सब फिनिश करने के बाद जो है मैं चाय वाय पीने के बाद जो है मैं वंश का कपड़े को आयरन कर रही हूँ, यानी ड्रेस को आयरन कर रही हूँ, क्योंकि बिना आयरन किए हुए वंश का ड्रेस नहीं पहनाती हूँ, नहीं तो फिर स्कूल से कंप्लेन आ जाएगी। तो फिर मैंने जो है शर्ट और उसका ड्रेस, मतलब पैंट और शर्ट को आयरन कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ पूरी को छानने के लिए, जो मैंने वंश के लिए बनाया था, क्योंकि वो लंच में लेके जाता है पूरी या पराठा, कुछ भी मैं डाल दे देती हूँ, और उसके साथ सेब वगैरह रहता है तो वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि उसे सेब खाना पसंद है, तो मैं सेब भी डाल देती हूँ। अब मैं वंश को उठा ले रही हूँ। जो है नाश्ते में पूरी के साथ जो है चाय लेना पसंद करती है, तो मैंने पूरी के लिए फिर से कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है ऑयल को, और पूरी अब बेलने के लिए जा रही हूँ। और इधर साइड पे मैंने चाय चढ़ा दिया है, मेरी माँ पूरी के साथ चाय लेती है, ठीक है। तो मैं पहले चाय गर्म कर लेती हूँ और इधर पूरी बना ले रही हूँ। तो ये लिया है मैंने चाय और ये है पूरी, अब मैं जा रही हूँ देने के लिए, ठीक है। तो आइए आप लोग भी और इसे इंजॉय। तो ये काट लिया मैंने कदीमा, अब इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी। और ये है भिंडी, इसका मैं भुजिया बनाऊंगी। और ये है केला, ठीक है। तो इसका जो है मैं भुजिया बनाऊंगी, इसका रेसिपी मैं आपको जरूर दे दूंगी, ठीक है। तो मैं इस सबको पहले कट कर लेती हूँ। सो मैंने भिंडी का भुजिया को कट कर लिया है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। तेल जो है गर्म हो गया है, मैं इसमें फोरन डाल देती हूँ थोड़ा सा। पहले ये चटक गया है अच्छे से, मैं इसमें भिंडी डाल देती हूँ, ठीक है। इस तरफ हो रहा है भिंडी का भुजिया, इस तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है, तो ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद मैं चावल बना दूंगी, और भी जो भी बनेगा मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो भिंडी इस तरह से करके फ्राई हो रहा है, तो मैं इसमें अब नमक हल्दी डाल देती हूँ और इसे फ्राई करने के लिए दे दूंगी। और इसमें प्याज कट करके डालूंगी, लहसुन भी। तो ये देख लीजिए, ये पूरे अच्छे तरीके से मैंने पूरे को कट कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए जा रही हूँ इसे धोकर। अभी 11, तो मेरा लगभग जो है सारा खाना बन गया है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। खाना बनकर हो गया है कम्प्लीट। तो देख लीजिए, मैंने बनाया है आज का रेसिपी, तो मैंने आपको ये रेसिपी अलग से डाल दूंगी। तो ये है केले का भुजिया, ये है कदीमा का सब्जी, भिंडी का भुजिया, और इसमें है दाल, और ये है तीतो झोल, माने कि सुक्तो।
ठीक है, और बस चावल बनना बाकी है अभी। लोगों ने देखा कि मैंने आज का वीडियो कैसे शूट किया है, मतलब कि सुबह से मैं कैसे कैसे वर्क करती हूँ, क्या क्या मैंने किया है, थोड़ा बहुत ही जो भी मैंने शूट कर पाई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस टाइम पे मैंने अपने फोटोज़ के साथ वीडियो नहीं डाला था, बस सामने से ही ले लिया था, फ्रंट कैमरा सॉरी बैक कैमरे से। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।